हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई की नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसपे 8500 वैकेंसीज के बारे में जानकारी अभी आई हुई है, जिसमें अप्रेंटिस के लिए ओपनिंग आई हुई है, जिसमें 8500 वैकेंसी है। तो हर स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसीज हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। ये सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे अप्लाई करना है, और इस नोटिफिकेशन के लिंक, ये जो पीडीएफ में आप देख रहे हैं सब कुछ, तो ये देख रहे हैं अभी 20 नवंबर आज से अप्लाई करना चालू होगा और 10 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट बताया गया है जनवरी में हो सकता है, वो बाद में डिसाइड करेंगे, उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। वेबसाइट जो है इसके लिए आवेदन करने के लिए, ये सारी वेबसाइट है, इन सभी को लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी यदि आप देखते हैं, तो बेसिकली अप्रेंटिस की जॉब है। तो यानी अभी एसबीआई में आपको डायरेक्ट ऑन रोल की वैकेंसी नहीं है, यानी आपकी जैसे नॉर्मल बैंकिंग की एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके बाद आप सेलेक्ट होते हैं तो होता है प्रोसेस, तो ऐसा नहीं है। इस पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी जो है यूनिवर्सिटी से। और यदि आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज क्या हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब ये चूँकि आप जो देख रहे हैं अप्रेंटिस, ये 3 साल के लिए रहेगा, जिसमें अलग अलग समय के लिए रहेगा, और उसके लिए जॉब पैकेज भी अलग अलग दिए गए हैं। इनकी एज जो दी गई है 20 साल से 28 साल तक के लिए दिया गया है, तो इतने उम्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन जो रहेगा वो अलग रहेगा। स्टाइफंड दिया जाएगा 3 साल के लिए, पहले साल 15,000 रहेगा, दूसरे साल 16,500, तीसरे साल 19,000 हो जाएगा। इससे सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट 100 का रहेगा 1 घंटे के लिए, उसके बाद मेडिकल एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट लागू कर दिया जाएगा। तो जिस लोग लैंग्वेज में है, जिस स्टेट की लैंग्वेज में आप देंगे, लोकल लैंग्वेज में टेस्ट होगा। तो ये है पूरी तरह से, यानी एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, दूसरा उसके बाद लोकल लैंग्वेज पे एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो इस तरह से आवेदन कर सकते हैं, वैकेंसी अच्छी है। इस पर ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है ये मार्केटिंग की जॉब भी प्रोवाइड करें, तो मार्केटिंग के लिए भी कैंडिडेट को हायर करें। लेकिन अभी यहाँ पोस्ट जो है बताया नहीं गया, सिर्फ अप्रेंटिस के तौर पर लिया जा रहा है, यानी जैसे इंटर्नशिप करते हैं तो लोग आवेदन करते हैं। तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये का ऑनलाइन फॉर्म फीस मांगा गया है, और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए नील है। आई होप ये वीडियो उपयोगी रहा होगा। इस तरह की उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।